हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के टाइम से व्लॉग स्टार्ट किया है एंड ये पीहू के रूम में बहुत सारा सामान ऐसे ही बेड फैला हुआ था। ये पता है, ये वो बॉटल्स है मैंने रिटर्न गिफ्ट में बच्चों को पीहू के बर्थडे पर दिया था। तो ये 3 बॉटल्स जो हैं बच गई थी, और इधर पीहू का रैकेट और ये कॉक वगैरह भी पड़ा है, उसको भी मुझे जगह पे रखना है। सारा सामान ऐसे ही रखते जाओ ना तो बस फैला ही रह जाता है। अभी सब इसको सेट करती हूँ फटाफट से और इसको जगह पे रखती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में दाल फ्राई बनाने के लिए। पहले मैंने सोचा आज पूरा खाने का रिकॉर्ड करूँगी, बट फिर अचानक से मिस्टर वर्मा ने बोला कि अभी थोड़ा बाहर जाना है हमें काम से, तो जल्दी से फटाफट खाना तैयार कर लो। तो मैंने फिर ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं किया, बस मैं दाल फ्राई कर रही थी, थोड़ा सा मसाला का रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ किचन की रिकॉर्डिंग बंद कर दी। चलिए मैं आपको सीधे मिलती हूँ बाहर, जब हम बाहर निकल जाएँगे। कहाँ जा रहे हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा, तो चलो मिलती हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं और यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी, बट आज तो कुछ एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मेरी आवाज़ जो है वो चली जा रही है। सो मैं आपसे बोल रही थी कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे स्केट्स क्लास, और वर्मा जी भी मेरे से यहाँ पे कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे। चलते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। और इसके बाद की जो क्लिप है उसमें भी मेरी आवाज़ गायब हो गई थी, यहाँ पे ये फ़ोन में किसी से बात कर रहे थे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी कि हम लोग जा रहे हैं पीहू की स्केट्स क्लास, और पता नहीं क्या हो रहा था, आवाज़ बार बार जो है वो बंद हो जा रही थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जो सर हमें मिलेंगे 3:30 से 4:30, तो चलो देखते हैं क्या क्या काम आज होता है। पीछे एच पे रखो, आरो इधर आप उल्टे बैठे पकड़ो, वो बैठ के तो कर भी नीड दिस कॉल साइज इन दिस, ये 5 नंबर के ऊपर बेटा बेबी स्केट दिखाइए जरा, वो प्रॉब्लम है सर, थोड़ी देर में वो कम से कम पहनेंगे, वो 100 बार गिरेंगे, 100 बार लगेगा तब। तो हम लोग आ गए हैं पीहू के लिए स्केट्स लेने के लिए, और पहले हम स्केट्स ले लेंगे, उसके बाद ही हम क्लास में जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने। बात मैं पहले ही कर आई थी लास्ट वीक, लेकिन आज हम फाइनल एडमिशन करवा देंगे। पीहू के डैडी भी साथ में जाएंगे, और बस यहाँ पे हमने स्केट्स ले लिया है। 900 रुपीज़ का हमको स्केट्स मिला है, इनकेस आप लोग भी देख रहे हैं तो आपको रेट का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और भी हाई रेंज के आते हैं, लो रेंज के भी आते हैं, बट हम लोगों को ये वाला स्केट्स जो है ठीक लगा, पीहू के साइज का भी था। तो चलो हम लोग पहुंच गए हैं, चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको। तो मैं नीचे आ गई थी क्लास में पीहू को इनरोल करवाने के लिए, एंड पीहू के डैडी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने गए हैं ऑफिस में। और फिर यहाँ देखिए कितने सारे बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं स्केट्स, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो पीहू पहले तो नहीं चल पा रही थी, बट फिर सर ने जो है वो पीछे वाला व्हील जो है वो लॉक कर दिया, उसके बाद पीहू बहुत अच्छे से वॉक कर रही थी। वो बहुत खुश भी हो रही थी कि देखो मम्मा मैं आई कैन वॉक। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो क्लासेस है ना, ये वीक में केवल 2 दिन ही होती हैं। मुंबई में कोई भी क्लास जो है वो 7 डेज़ नहीं होती है, ऑल्टरनेट डेज़ में होती है, या फिर वीक में एक क्लास होती है, या फिर 2 ही क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। सो कोई बात नहीं, कुछ तो सीख रही है वो, और उसको अच्छा भी लग रहा है, वो इंटरेस्ट ले रही है, तो मुझे यही अच्छा था कि चलो अच्छा तो है, उसको एंजॉय कर रही है। ये इधर आ रहे हैं आरोही के डैडी मिस्टर वर्मा एडमिशन करा करके। पैकअप कैसा लगा रोहित, मजा आया? पैर थक गया?
गया पैर थक गया चलो मजा आया ना आर वी हैप्पी रन करो पकड़ के दिखाओ जरा डैडी को पकड़ो 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 मजा किया पीयू को बहुत अच्छा अरे यहाँ पे जूडो की क्लास है देखो बच्चे जा रहे हैं हाँ इधर ही कहीं पे ओके तो पीहू को आज बहुत अच्छा लगा आज उसकी फर्स्ट क्लास थी और पीहू ने एंजॉय किया ना पहले पीहू चल नहीं पा रही थी तो उसने मुझे बोला मम्मा मैं चल क्यों नहीं पा रही हूँ और जैसे ही पीहू चलना स्टार्ट करी वो एकदम खुश हाँ जब पहले साइकिल नहीं चला पाती थी तो बोर होती थी एक एक्टिविटी आ जाने से ना इसका बहुत इम्प्रूवमेंट आज बादल बहुत साफ है देखो कल बारिश हुई ना आज सुबह बारिश हुई एक्चुअली ये देखो वेलकम बैक गाइस ओके तो अभी मैं बाहर से आ गई हूँ और मैं ड्रेस वगैरह चेंज करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि मई मंथ स्टार्ट हो गया है और हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है 12th मई को अगर आप मेरे पहले के व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि 12 मई को हमारी एनिवर्सरी होती है लास्ट ईयर हम लोग कश्मीर गए थे घूमने के लिए लास्ट व्लॉग आप चेक कर सकते हैं सो अभी ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है और मैंने कुछ गिफ्ट्स मंगाए हैं वर्मा जी के लिए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं उनको गिफ्ट में अभी क्या देने वाली हूँ इस साल एनिवर्सरी गिफ्ट ये मैंने अमेजोन से मंगाया है आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वर्मा जी देखते नहीं है व्लॉग तो उन्हें पता नहीं चलेगा उस गिफ्ट के बारे में तो हाँ तो मैंने ये अमेजोन से मंगवाया है और यहाँ पे मैं आपको सारी लिंक्स दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड अपना माय हॉल स्टोर का भी लिंक दे दूंगी तो आप वहां से मेरे सारे प्रोडक्ट को एक साथ देख सकते हैं तो वहां पे आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एंड बहुत अच्छी अच्छी डील्स वगैरह चलती रहती है तो बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा ओके गाइज तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ अमेजोन समर सेल की स्टार्टर डील इज लाइव और यहाँ पे आपको 50-80% ऑफ मिलेंगे 1000 प्लस ब्रांड एंड डील ऑन 2 लाख प्लस स्टाइल्स तो बिल्कुल मिस आउट मत करिए अपने फेवरेट प्रोडक्ट को जरूर परचेज करिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने उनके लिए एक टाई मंगाई है जिसके साथ टाई पिन भी मिली है बहुत ही प्यारी सी है फॉर्मल वो डेली ऑफिस पहन के जाते हैं टाई तो इसलिए ऐसा है ये देखिए इसमें टाइपिंग भी मिली हुई है और ये प्रिंट जो है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा था और ये लुइस की ये है टाई है एंड इस बॉक्स में आया है काफी अच्छे से पैकेजिंग में आया था ये तो फर्स्ट मेरा ये परचेज हो गया एंड मैंने ना सेकेंड यहाँ पे 2 शर्ट्स मंगवाई हैं जो कि एरो ब्रांड से है एंड इसका कपड़ा बहुत अच्छा है लाइट कलर की शर्ट बहुत सारी थी इस समय वर्मा जी के पास वो बहुत सारी लाइट शर्ट्स पहन रहे थे तो मैंने ऐसे ही रैंडम यहाँ पे 2 डार्क कलर के शर्ट्स जो है वो चूज कर लिया ये कलर भी नहीं था उनके पास एंड ये कलर भी ग्रे कलर भी नहीं था इसका कपड़ा बहुत अच्छा है एंड जो साइज मैंने लिया है वो 42 है स्लिम फिट है तो ये 2 शर्ट्स हैं इनकी लिंक भी दे दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा दोनों के कपड़े अच्छे हैं और जब मैं उनको दूंगी तो ये कैसा लगा उनको आपको आगे आने वाले ब्लॉग में ये पता चल जाएगा अच्छा इसके साथ ना मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस मंगाई है जो एक ड्रेस मैं पहन के रखी हूँ ये एक ड्रेस है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ बट एक मैंने ना ये मंगाया था मुझे ऐसा लगा था ये कॉटन का है बट ये कॉटन नहीं है ये पॉलिस्टर टाइप का कपड़ा है गर्मियों के लिए था देखो पियो डैडी आ गए क्या तो ये पॉलिस्टर वाला कपड़ा है मैं इसको वापस कर दूंगी ये बीच काइंड ऑफ ड्रेस है अभी मेरे को बीच काइंड वाला ड्रेस नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बीची ड्रेसेस हैं इसलिए सो ये फ्लोरल प्रिंट है आपको अच्छा लगे तो गर्मियों के लिए आप ले सकते हैं अगर आप बीच वगैरह कहीं घूमने जा रहे हैं तो है अच्छा ये
तो हो गया ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। एंड ये जो मैंने एक ड्रेस पहन रखी है गाउन, ये काफी अच्छी है। इसका जो कपड़ा है ये शिफॉन का है और अंदर से लाइनिंग भी दी गई है। यहाँ पे आपको कॉलर नहीं है ये, लेकिन हाँ ओपन नेक तक का इसमें पैटर्न है। एंड यहाँ पे पूरी बटन की डिटेलिंग दी हुई है, साथ में यहाँ पे एक बेल्ट भी मिलती है जिससे कि काफी अच्छा लुक आता है। बाकी ये मेरे ऊपर कैसे लग रही है आप देख सकते हैं, साइड में आपको मैंने इसका जो ट्राय ऑन हॉल है वो शेयर कर दिया है। ओके गाइस, तो फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। आज कुछ तो है जो मेरी एडिटिंग में प्रॉब्लम कर रहा है। मेरी आवाज़ जो है वो चली जा रही है, मैं बोल रही हूँ बट मेरे को बाद में वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम है वो मैं बाद में देखती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। क्या करने जा रहे भाई? मैं धुलती नहीं हूँ दोस्तों, देखो इन्होंने क्या कह दिया। ये देखिए ये दोस्तों, ये अभी कपड़े मैंने इतने सारे धो के रखे हैं, ये देखिए ये देखिए क्या बोल रहे हैं अब, मैं धोती नहीं हूँ। वो डे बाई डे होता है, ऐसे थोड़ी ना आज कुछ कपड़े तो उसमें दो महीने से, अभी दो महीने पापा मम्मी को गए नहीं हुआ है और तब ये धुला गया था। तो सुना गाइज आपने मिस्टर वर्मा क्या कह रहे थे, हंसी मजाक यूँ ही चलता रहता है। खैर कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे अभी शाम का टाइम है और मैंगो शेक पीने का मन हो रहा था, आम रखा था, तो मिस्टर वर्मा यहाँ पे आम कट कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ मैंगो शेक बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। हाँ बनाएंगे ना। हाँ तो मैं ग्राइंड करके देती हूँ आपको। हाँ तो इन्होंने बोला है कि मैं उसको बनाऊंगा मैंगो आइसक्रीम शेक टाइप से, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको ग्राइंड करके दे देती हूँ। चलो चलें इसको ग्राइंड करते हैं फटाफट से और फिर एंजॉय करते हैं अपना मैंगो आइसक्रीम मिल्क शेक। मिस्टर वर्मा बनाने वाले हैं आज मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे आप? तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें निकाल दे रही हूँ जो कि वो इसमें डालेंगे। वर्मा जी कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, चिया सीड्स हो गया एंड आइसक्रीम हो गई एंड रोज़ सिरप हो गया, ये सारी चीज़ें ये इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैंगो शेक डाल दिए हैं, उसके ऊपर यहाँ पे आइसक्रीम का एक स्कूप डाल देंगे। स्कूप वाला ना मुझे ख़रीदना है जिससे कि एक बढ़िया सा स्कूप निकल आता है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे स्पून से निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं उसको चॉप करके इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसके ऊपर रोज़ सिरप डालेंगे। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर वर्मा जी का कोई कॉल आ गया था तो वो बिज़ी थे फ़ोन पर एंड मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो हमारा यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम मिल्क शेक जो है वो बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ पे इनका भी तैयार हो रहा है, अभी भी तैयार हो रहा है। ओके गाइस, तो मेरा यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम मिल्क शेक जो है वो बनकर तैयार हो गया है और मैं इसको यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। एंड आपको पता है मुंबई में यही ग्लास जो है 130-120 रुपए का आराम से मिलता है एंड लोग ख़रीदते हैं उसको पीते हैं। सो घर पे बनाइए गर्मियों में और आराम से इसको पीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। ओके गाइस, तो इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, यहाँ पे दो पिक्चर क्लिक की थी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो